इस सृष्टि में जो भी उत्पन्न हुआ है, वो चाहे राजा हो या रंक हो, या देव हो या दानव हो, या संसार की कोई भी परम शक्ति क्यों ना हो, चाहे राम हो या कृष्ण हो, या रावण हो या कंस हो, इस संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है, जो भी आया है, उसका एक ही कारण है, एक ही मूल आधार है, माँ का गर्भ। क्योंकि बिना माँ के गर्भ से इस सृष्टि में कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि परमात्मा के यहाँ से आने का एक ही रास्ता है, वो है माँ का गर्भ। क्योंकि परमात्मा सभी संसार में जितने भी सृष्टि में जीव हैं, सभी को समान भाव से पैदा करता है। उसके यहाँ भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पात नहीं है, क्योंकि वो सभी जीवों को समान भाव से देखता है। इसलिए जगत में जो उत्पन्न हुआ है, वो परमपिता जिसे भेजता है, वो उसका एक ही धर्म द्वार है, माँ का गर्भ। क्योंकि बिना माँ के गर्भ से कोई परम शक्ति क्यों ना हो, वो संसार में उतर ही नहीं सकती है। क्योंकि वो परमात्मा की हो, चाहे भूत की हो, चाहे प्रेत की हो, या जगत कल्याण दाता की क्यों ना हो, क्योंकि बिना माँ के गर्भ से इस सृष्टि में कोई नहीं आ सकता है। यही तो परम सत्य है। मात पिता के बिंदु से रचा है सब संसार, पितृ भक्ति मात भक्ति करे जगत कल्याण। इस सृष्टि में माता पिता के बिंदु से पूरी संसार की रचना हुई है। इस सृष्टि में आने का सबसे बड़ा मूल द्वार है, दो धर्म द्वार है, वो माँ का गर्भ है। क्योंकि माँ के गर्भ से इस सृष्टि के कोई नहीं उतर सकता है, क्योंकि वही परम द्वार है। परमात्मा के यहाँ जाने का रास्ता, परम द्वार, नव द्वार नव खंड किया, परम ज्योति जान, भेद स्वरूप भेदी मिले तबही होए कल्याण। क्योंकि इस जगत से जाने के रास्ते अनंत हैं, लेकिन मुख्य द्वार नौ हैं। आपके प्राण किस दरवाजे से निकलते हैं? क्योंकि आपके शरीर में जो छिद्र हैं, जो निकलने के रास्ते हैं, यही तो द्वार हैं। क्योंकि नव छिद्र नव खंड हुआ, परम शक्ति जब जात। क्योंकि इस संसार में जो परम शक्ति जाती है, इन्हीं दरवाजे से होकर जब निकलती है, तो उन्हीं का वैसा ही जीवन, वैसा ही जन्म, वैसी ही मृत्यु भोगनी पड़ती है। क्योंकि इस सृष्टि में जो आया है, उसका एक ही द्वार है, लेकिन इस संसार से जो जाता है, उसके नौ द्वारे हैं। वो किस दरवाजे से जाता है, इसके उसकी कर्म कांड उसके आधार पर खुद निर्भर करते हैं, स्वयं में निर्भर करते हैं कि उसने कैसे गुण किए हैं, कैसे गुण किए हैं, और किस प्रकार से वो संसार से निकल रहा है। परम शक्ति, परम ज्ञान, वो सतगुरु, वो सत्य जिसको उसने पाया है, अपने करुणायक, अपने धर्म को चलते हुए उस परम शक्ति ज्ञान का परिपूर्ण किया है, जब ही आपका उद्धार हो सकता है। अनंत इस 84 के चक्र में आप फंसते हुए, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म के चक्र में पड़ते हुए, आप सदा गर्भ में ठहलते रहेंगे, गर्भ में पलते रहेंगे, आप यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। कोई भेदी भेद बताएगा निकलने का द्वार, क्योंकि नव दरवाजे से एक मोरी है, जो सहस्त्रास कमल चक्र की मोरी, क्योंकि उससे होकर के जो लोग अपने उस परम शक्ति में लीन होते हैं, वो संसार के बार बार जन्म मृत्यु के चक्रों से बच करके सदा उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं, वही तो मुख्य द्वार है। आप निर्मल सत्संग से जुड़े रहिए, आपको परम शक्ति परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। क्योंकि आपने सत्संग किया है, उस परम शक्ति का बोध किया है, आपने नित्य सत्संग सुना है, आपने उस परम शक्ति ज्ञान का बोध किया है,
आप इस संसार में अजर अमर अविनाशी कहलाए जाएंगे। आप हमेशा सत्य गुणों पर निर्धारित रहिए, अपने कर्म अच्छे कीजिए, जिससे आपकी आत्मा को परम गति परमात्मा की प्राप्ति होगी। सत्य गुरुदेव।